आजमगढ़ दीवानी कोर्ट परिसर में 6 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी। कोतवाल समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने जांच की। आजमगढ़ के दीवानी कोर्ट परिसर में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे जब दुकानदार दीवानी कोर्ट पहुंचे तब उनको इसकी जानकारी हुई। एक साथ 6 दुकानों का ताला टूटने और चोरी की बात सामने आने पर हड़कंप मच गया। कुछ देर में मौके पर शहर के कोतवाल राजकुमार सिंह सहित फॉरेंसिक टीम भी डॉग स्क्वाड के साथ पहुंच गई। बता दें कि दीवानी कोर्ट परिसर में मिथिलेश कुमार, ओम प्रकाश पाठक, अजय श्रीवास्तव, राजेंद्र मौर्य समेत अन्य लोगों की स्टाम्प, टिकट और जलपान की दुकानों का ताला टूटा और चोरी हुई। पहले भी कुछ दुकानों पर चोरी हो चुकी है। चोरी की सूचना पर तत्काल जिला जज, प्रशासनिक अधिकारी समेत अन्य लोग पहुंचे थे। वहीं दीवानी बार के अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने अधिवक्ताओं संग पहुंचकर जानकारी ली। आइए सुनाते हैं आपको पीड़ित मिथिलेश कुमार और प्रभाकर सिंह ने क्या कहा। स्टाम्प की जी, क्या क्या आपके यहाँ से चोरी हुआ? हमारे यहाँ से नगद पैसा गायब हुआ है 10,500 रुपये। जी, कैसे गायब हुआ? ताला तोड़ के, ताला तोड़ के गायब हुआ। बक्सा वहाँ है, उसका जो कुंडी तोड़ दिए लोग। अच्छा, कितनी चोरी हुई है? 5-6 जगह आज हुई है दीवानी कैंपस में। स्टाम्प की चोरी हुई है? नहीं, स्टाम्प की नहीं हुई है। वो चालान लगाने का पैसा रखे थे, कल मंगलवार था तो नहीं लग पाया, बस वही पैसा था, वही जो है। और जगह से क्या आपको जानकारी है, क्या चोरी हुई है? नहीं, और जानकारी नहीं है। किस आदमी? 5-6 लोगों की हुई है। यह बड़ा दुखद है, यही से सबको न्याय मिलता है, पूरे जनपद को। यहाँ इस न्यायालय परिसर में जो दुकानें हैं उनका ताला टूटा है, चोरियाँ हुई हैं, उसके बाबत और विशेष जानकारी हमको नहीं है क्या नहीं, लेकिन यह बड़ा दुखद है। इसके पूर्व भी 2 दुकानों का ताला टूटा था, जिसके बाबत हमने यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे हमने बातें किया था कि